इंडियन सिनेमा में आई कुछ बेहतरीन मिस्ट्री फिल्में जिनको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। नंबर वन, रथ शासन। ये फिल्म अब तक की सबसे बेस्ट मिस्ट्री फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म साउथ में बनी थी और अब इसका रीमेक अक्षय कुमार बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में खूनी ने हर किसी के दिमाग को चकराकर रख दिया था। नंबर टू, हसीन दिलरुबा। हसीन दिलरुबा एक बेहद ही उम्दा फिल्म है। फिल्म की कहानी मिस्ट्री से भरी पड़ी है। फिल्म में तापसी और विक्रांत ने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी के दिमाग को हिला डाला था। नंबर थ्री, तलाश। आमिर खान की तलाश फिल्म एक पुलिस वाले की कहानी बताती है जो एक वेश्या की मदद से एक बड़े क्राइम को सुलझाने की कोशिश करता है और फिर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। नंबर फोर, कहानी। इस फिल्म की कहानी में एक प्रेग्नेंट लेडी कोलकाता शहर में अपने पति को ढूंढने आती है और फिल्म इंटरेस्टिंग बन जाती है और एंड में जो पता चलता है उसके बाद आप विद्या बालन के फैन हो जाएंगे। नंबर फाइव, दृश्यम। साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम एक बेस्ट मिस्ट्री फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म एक बाप की है जो अपना दिमाग चलाकर अपनी बीवी और बच्चों को बचाता है। वैसे आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी है हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।